जैसा कि आप सब लोग न्यूज चैनल्स और अखबार में पढ़ ही रहे होंगे, परसों यानी 15 जनवरी 2023 को नेपाल के पोखरा में हुई एक बहुत ही दुखद हवाई दुर्घटना में प्लेन में सवार सभी 72 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना में 5 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। नेपाल के 30 सालों के इतिहास की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना से भारत और नेपाल के साथ साथ पूरी दुनिया में शोक की लहर है। टेको एयर चैनल के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे और अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी दुखी परिवारों को इस हादसे से उभरने की शक्ति प्रदान करे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार येटी एयरलाइंस का ATR 72500 मॉडल का ये प्लेन लगभग 15 साल पुराना था। इस प्लेन को 2007 में भारत की किंगफिशर एयरलाइन ने खरीदा था। 2013 में इस एयरक्राफ्ट को नॉक एयर को सौंप दिया गया और जिसके बाद फाइनली 2019 में इसे येटी एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्लेन में 67 पैसेंजर्स के साथ 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। खबरों के मुताबिक सुबह के लगभग 10:33 पर प्लेन ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। ये एयरपोर्ट पुराने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बदले अभी 2 हफ्ते पहले ही शुरू किया गया है। लैंडिंग करते वक्त ये दुर्घटना पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच में हुई। लैंडिंग करते वक्त प्लेन सेठी गंडकी नदी के किनारे पहाड़ी में क्रैश हो गया। न्यूज चैनल और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंडिंग के वक्त मौसम में किसी तरह की खराबी की कोई जानकारी नहीं थी और प्रारंभिक तथ्यों एवं सामने आई तस्वीरों और वीडियो से ये प्लेन में किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई दुर्घटना लगती है। जैसे जैसे नई जानकारी आती रहेंगी हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। 1992 में हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 268 की दुर्घटना के बाद ये नेपाल की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट की दुर्घटना में 167 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में कई मार्मिक पहलू भी सामने आ रहे हैं। प्लेन की को पायलट अंजू खातीवाड़ा, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, दुर्भाग्य से अंजू खातीवाड़ा के पति दीपक पोखरियाल, जो येटी एयरलाइंस में ही को पायलट के तौर पर कार्यरत थे, उनकी भी आज से 16 साल पहले एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक और दुखद समाचार के तहत गाजीपुर के बरीसुर कस्बे में रहने वाले 4 दोस्त प्लेन हादसे के दौरान फेसबुक पर अपनी हवाई यात्रा का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। सभी दोस्त बहुत खुश नजर आ रहे थे और अपनी हवाई यात्रा का दिल खोल कर आनंद ले रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने चैनल और सभी व्यूअर्स के माध्यम से हम भगवान से बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और सभी दुखी परिवारों को हौसला और शक्ति दें।